हम लोग फैक्ट्री पे पहुंच गए हैं, लोडिंग से आ गए हैं, तो विशाखापट्टनम का लोडिंग होगा अपना। एक समस्या आ रहा है कि रोहित को थोड़ा सा उसको घर का गांव का जहां बैठता था, जहां घूमता था लड़का लोगों के साथ, वो इसको ज़्यादा याद आ रहा है अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग सिवनी लाइन पार कर गए हैं और यहाँ पर अमन ढाबा है, वहीं पर नहाए धोए हम लोग, सुबह सुबह फ्रेश हो गए हैं। अभी लोडिंग का फ़ोन आया था एक जगह से, लेकिन वहाँ पर गाड़ी खाली नहीं हो रहा, अपना कंपनी का दो दिन गाड़ी फंसा हुआ है। तो ड्राइवर से मेरा बात हुआ तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं आना बेकार है, यहाँ फंस जाओ, हजारीबाग के पास में है ये, हालांकि मेरा घर है वहाँ पर नज़दीक में, लेकिन फिर भी गाड़ी जाके खड़ा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम शेड से बात करते हैं कहीं और का लोडिंग के लिए, जैसा होता है 10 बजे के बाद ही कुछ पता चलेगा कहाँ का लोडिंग है क्या है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चाय पी के यहाँ से निकलते हैं, यहाँ नहा धोकर फ्रेश हो गए हम लोग। दोस्तों चाय तो पी लिए, कपड़ा भी जो बाहर दी था सूखने के लिए लगभग सूख ही गया है, ऐसे गर्मी में इतना ही कपड़ा सूख ही जाता, हवा भी चल रहा है। तो अभी लोडिंग के बाद चल रहा है, अब हम लोग को बोले जहाँ तक जाने के लिए, हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो जहाँ तक बताया है कि रायपुर से 50 किलोमीटर पीछे रुक जाइएगा, उधर से लोडिंग के बाद चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, अभी समोसा लेके आ गए हैं, तो अभी नाश्ता यही होगा और लड्डू है, तो वहाँ पे लड्डू लेके आए, यहाँ पे समोसा था, आज का हम लोग का नाश्ता यही है दोस्तों। आज का नाश्ता हो रहा है समोसा, रोहित बोल रहा है झाल झाल खाना है समोसा, वो सही देखते ही रहिए, मिर्चा का चटनी है कि क्या चीज़ है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं भिलाई, अभी रायपुर पहुंचने वाला है, विधानसभा रोड पर है, तो अपना लोडिंग का क्लियर हो गया कि भिलाई से लोडिंग है, और लोडिंग मिला इस बार विशाखापट्टनम, वही वाला माल है जो रुई जो भरे थे पहले, वही वाला माल है, लेकिन इस बार जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, पहुँचते हैं वहाँ जल्दी। दोस्तों अभी 3 बज गया है और हम लोग फैक्ट्री पे पहुंच गए हैं, ये देखिए सामने फैक्ट्री है और यहाँ पर लोडिंग के लिए आ गए हैं, तो विशाखापट्टनम का लोडिंग होगा अपना। हम लोग नहाने वाले में थोड़ा टाइम तो लग गया, नहाना भी तो जरूरी है ना, तो खाना वाना बनाया नहीं, टाइम नहीं मिला, नाश्ता वास्ता हो ही गया था। अभी जा रहे रोटी बनाने के लिए, रात का सब्जी बचा हुआ है तो वो भी अभी बचा ही हुआ गाड़ी में, तो उसी के साथ में रोटी अभी आज का खाना हो जाएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, अभी रोटी बनाते हैं और हम जाकर देखते हैं लोडिंग वोडिंग का पोजिशन क्या है, तब तक रोटी अपना गाड़ी में बन जाएगा। दोस्तों ये हमारा खाना लग गया और पीछे हमारा गाड़ी भी लोडिंग हमारा चालू हो गया, क्योंकि माल था वैसे इमरजेंसी, बार बार फोन कर रहा था तो हम लोग भी आ गए, तो इसीलिए हम लोग खाना नहीं बनाए, रात का सब्जी बचा हुआ था तो वही रोटी के साथ में चले खाने के लिए, समय थोड़ा सा हो गया अल्टर। ठीक है दोस्तों, जल्दी खा लेते हैं, लोड करके निकलना भी है, क्योंकि गाड़ी तो ज़्यादा लगता नहीं सब गाड़ी लोड करने में, तो अनलोड भी हो जाता है। दोस्तों अभी शाम के 5 बजे और अभी जाके हमारा गाड़ी लोड हो चुका है, आप देखते हैं पेपर मिलता है फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों पेपर मिल गया, अब जा रहे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों गाड़ी तो अपना लोड हो गया और देखिए देख सकते हैं चालान वगैरह सब मिल गया, ऐसा अगर होते रहता है ना कि मतलब आते साथ लोड हो जाए,
खाली हो जाए तो अच्छा लगता है। एक दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तक रुकना पड़े कोई बात नहीं है। जा रहे विशाखापट्टनम। हालांकि उस रूट में बहुत पहले चले थे जब खलासी के टाइम में, अभी तो बहुत चेंजिंग आ गया है, टोल टैक्स वगैरह बन गया है, फोर लाइन बन गया है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, देखते हुए चलना पड़ेगा हमको। लोकेशन का जमाना तो है लेकिन बहुत सा रोड इसमें दिखा देता है तो ये सब दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग जो अपना ड्राइवर में जो बात करते हैं वो ओरिजिनल होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं, अभी तेल भी लेना है, खर्चा वर्चा भी लेना है, उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी जाते हैं पहले रायपुर। दोस्तों फैक्ट्री से निकल के बाहर आ गए हम लोग, अभी ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं। तो आज सोमवार तो आधार भी बना लेते हैं, तो फिर मंगलवार पड़ जाएगा तो फिर बना नहीं पाएंगे, फिर समय मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी हम तेल के लिए रुके हुए हैं, अभी स्टेट बोला कि खाता में डाल रहे हैं पैसा, तो फिर उसी हिसाब से डीजल लेना है। यहाँ देखिए पेट्रोल पंप है पीछे, तो तब तक दाढ़ी बना लेते हैं, आते हैं थोड़ा दाढ़ी बना के। दोस्तों OTP भी आ गया है, आधा घंटा टाइम लगा, आधा घंटा ज़्यादा ही लगा, तब तक अपना भी काम हो गया, दाढ़ी दूढ़ी बना लिए, समय नहीं मिलता है ना, तो यही सब में समय मिल गया। पास में कहीं समय मिलता तो सैलून दुकान नहीं मिलता है, तो चले दोनों काम मेरा हो गया। अब OTP भी आ गया, अब इधर भी हो गया सब क्लियर, तेल लेके निकलते हैं। अब जाएंगे यहाँ से, देखते हैं कैसे जाना है, उसके बाद का दो तीन रास्ता आप कौन सा चॉइस करेंगे, दोस्त यार से बात करेंगे कैसे जाना है क्या करना है सब बताएगा वो लोग। तो ठीक है दोस्तों, अभी पहले तेल लेते हैं, नंबर लगा हुआ है तेल में, लेते हैं तेल। तो तेल ले लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों डीजल तो पूरा ले नहीं पाए, नेटवर्क जो होता है वो फेल है, थोड़ा मौसम गड़बड़ है इसके वजह से नेटवर्क फेल है, तो नहीं हो पाया। डीजल थोड़ा कम था, हमको भी शक था कि कहीं एयर वेयर ले लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। एयर में सबसे बड़ा समय टूटता बहुत ज़्यादा है, डब्बा लेके जाओ, पेट्रोल पम्प ढूंढो, पे आने जाने का साधन नहीं मिलता है, ये सब परेशानी हो जाता है। फिर एयर निकालने का, एयर कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, जल्दी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सब लफड़ा हो जाता है। इसलिए हम अपना पास से 1000 का तेल डाल दिए हैं, अब वो हम सेठ से जाकर ले लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे हैं, अभी अच्छा वो भी इंडियन पंप ही चाहिए, जो खाता जो चलता है OTP वाला वो इंडियन पंप का चलता है, दूसरा पंप में नहीं चलता है, तो इंडियन पंप का ही चाहिए हमको पंप। देखते हैं कहाँ मिलेगा, लगाते फिर पंप में, फिर ले लेंगे अपना सेठ की तरफ से जो है। ₹15,000 का OTP हुआ था, तो 14,000 का ले रहे हैं, 1,000 का तो हम ले चुके थे, वही हैं 14,000 डलवा ले रहे हैं अभी, अब अपना डलवा लेंगे 1,000 का फिर कर लिए। दोस्तों रात के 10 बज चुका है और हम लोग खाना खाने आ गए होटल पे, टाइम नहीं मिला, काफ़ी जाम रह गया, टोल टैक्स में भी कुछ देर रुक गए तो टाइम नहीं मिला खाना बनाने का, तो यही जल्दी खा पी के सोएंगे, जल्दी उठना भी सुबह क्योंकि नया रूट में चलना, दिन दिन में चलना है उधर। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खाना खाते हैं। ये हमारा रात का खाना आया है, सेव भाजी, सेव भाजी पसंद करते हैं इसी लेकर सेव भाजी आता है ज़्यादातर होटल में, और ये ताज़ा भी रहता है। दोस्तों खाना पीना तो हो गया, और गाड़ी जो है ना हम लोग का यहाँ पार्किंग बना हुआ है, तो उसी पार्किंग पे ही मतलब हम लोग का कंटेनर गाड़ी का ही पार्किंग है, तो सेट यहीं से कुरकुरे वगैरह लोड होता है, यहाँ माल भी लेके आते हैं। तो अपना गाड़ी मतलब हुआ नहीं अभी, और सब अपना कंपनी गाड़ी सब आ रहा है, अपना कंपनी का भी गाड़ी एक लगा हुआ पीछे में, हो सकता है कहीं से माल लेके आया हो। तो दोस्तों हम लोग यहीं पर सोने वाले हैं, यहाँ सुबह उठ करके अपना जगदलपुर रोड पकड़ के जाना है। एक समस्या आ रहा है कि रोहित का, रोहित को थोड़ा सा मतलब इतना दिन जो लंबा घर पर रह गया ना, तो उसके लेकर थोड़ा सा इसका मन जो है थोड़ा भटका हुआ है, और उसको घर का गांव का जहां बैठता था, जहां घूमता था लड़का लोगों के साथ, वो इसको ज़्यादा याद आ रहा है अभी। तो हम इसको बोले हैं कि रहते रहते बर्दाश्त करते करते ऐसे पहले भी रहा है, साल साल भर रहा है, तो कम से कम एक महीना दिक्कत होगा ही। देखिए तो जब घर में थे तो मतलब कभी शाम में घूमने चल जाते थे, कहीं सामने सुबह और कुछ करते थे, मतलब काम वहाँ पे कुछ करना ही है, तो वही चलते थोड़ा मतलब गांव का आ रहा है याद। उम्र हर चीज़ का एक उम्र होता है, खेलने का उम्र होता है,
पढ़ने का उम्र होता है, फिर शादी का उम्र होता है, कमाने का उम्र होता है, ऊपर वाला सबके लिए उम्र बना के भेजा है। ध्यान भटकाने से नहीं होता है, समझा। जब तक बच्चा थे तो खेलने बोलता था खेलो, फिर उम्र हुआ तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, घर से सब तरफ से बोलते पढ़ाई करो, जब पढ़ाई पूरा हो जाए तब नौकरी खोजो नौकरी खोजो, फिर उसके बाद उम्र हो गया शादी करना है ये करना था, ये सब बना हुआ है जीवन एक संघर्ष, इसलिए कहते हैं हम। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी रात भी हो चुका है, अब हम लोग सोते हैं। दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।